कुरुक्षेत्र मगरमच्छ प्रजनन केंद्र की हो रही है अनदेखी, सरकार को ध्यान देने की जरूरत। कुरुक्षेत्र के लगभग 10 किलोमीटर दूर पिहोवा रोड पर भौर सहदा गांव में हरियाणा का एक विशाल मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है। हरियाणा में यह बड़ा केवल एक ही केंद्र है, यहां पर मगरमच्छ की ब्रीड तैयार की जाती है, इसलिए हरियाणा में इस स्थान का बहुत महत्व है। यह प्रजनन केंद्र सड़क के किनारे होने के कारण लोगों के लिए एक महत्व केंद्र बन जाता है और यहाँ पर हर आने जाने वाले यात्री मगरमच्छों को देखने के लिए जरूर रुकते हैं। इस मगरमच्छ प्रजनन केंद्र में 150 से भी अधिक मगरमच्छ हैं, जो कि सर्दियों के दिनों में पानी से बाहर निकलकर ऊंचे स्थानों पर आकर बैठ जाते हैं और आने जाने वाले यात्रियों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। परंतु इसके विपरीत यहाँ का स्टाफ इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है और अधिकतर अपनी ड्यूटी से गायब ही रहते हैं। यदि कोई यात्री मगरमच्छों की जानकारी लेने के लिए यहाँ के स्टाफ से बातचीत करता है तो इस मगरमच्छ प्रजनन केंद्र का स्टाफ पर्यटकों से सीधे मुंह बात नहीं करता, इसलिए लोगों का इस प्रजनन केंद्र के स्टाफ से भी भारी रोष है। यहाँ तक कि इस केंद्र के स्टाफ को मगरमच्छों की पूरी गिनती के बारे में भी नहीं पता। जब यहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि स्टाफ अनदेखी करता है। इसके अलावा स्थानीय लोगों ने भी यह सलाह दी कि यदि सरकार चाहे तो इस जगह को एक पर्यटक स्थल के रूप में बदल सकती है, जिससे यहाँ पर पर्यटक अधिक से अधिक आएंगे और सरकार को आर्थिक लाभ भी मिलेगा। परंतु सरकार का शायद इस तरफ कोई ध्यान नहीं है, जिस कारण पहले से बहुत कम पर्यटक इस स्थल पर आते हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों ने सरकार से मांग की है कि इसको पर्यटक स्थल के रूप में बदला जाए, जिससे इस गाँव के लोगों को रोजगार मिल सके और सरकार को भी आर्थिक लाभ हो। सर ये बताइए, आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं? यस सर, स्थानीय। ये बताइए कि ये जो प्रजनन केंद्र है जो मगरमच्छ का, ये काफी कितने सालों से है यहाँ? सर ये बहुत पुराना है सर यहाँ से। और ये यहाँ पर कितने का मगरमच्छ होंगे अंदाजन? सर अंदाजा सर है 100-150 के करीब। 100-150 से ऊपर? हाँ जी सर। तो यहाँ पर मतलब लोग कितने के लोग देखने के लिए आते हैं? सर थोड़े बहुत आते हैं सर। कहने का मतलब ये पिकनिक स्पॉट बनाया जाए तो लोग ज्यादा आ जाएंगे? हाँ जी सर, ये पिकनिक बनाया जाए तो यहाँ बहुत अच्छा रहेगा सर। सरकार इसकी तरफ कम ध्यान दे रही है? कहने का मतलब अगर सरकार इसकी तरफ पूरा ध्यान दे तो ये अच्छा पिकनिक स्पॉट और कमाई का साधन बन सकता है। कमाई का साधन बन सकता है सर, ये करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोग देखने आए, दूर दूर से के लिए प्रसिद्ध हो सर। हरियाणा टूरिज्म की इसको बढ़ावा देना चाहिए। हाँ जी सर, बढ़ावा देना चाहिए।